गुड मॉर्निंग ऑल. अवर चैप्टर 12 इज व्हाट इफ दिस विल बी फिनिश, मतलब अगर ये समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा. अभी क्या समाप्त होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है अगर वो ख़त्म हो जाएंगे, हम उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए वो बचेगा कि नहीं बचेगा. इसके लिए हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. इन दिस चैप्टर अवर लास्ट टॉपिक इज लॉन्ग टाइम एगो वुड फॉर चूल्हा. बहुत पहले मतलब बहुत साल पहले जो चूल्हा जलता था वो वहाँ पे वुड यानी लकड़ा यूज़ किया जाता था. दुर्गा लाइव इन अ विलेज इन हरियाणा. एवरी डे शी स्पेंट मेनी हवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा, दैट मीन्स स्टोव. हर डॉटर ऑल्सो हैड टू हेल्प हर इन दिस. फॉर द पास्ट 3 months शी हैड अ कप. देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड वॉज बर्न, बट दुर्गा डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. व्हेन देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड. ओके, दुर्गा एक हरियाणा के गांव में रहती थी. वो पूरा दिन मतलब पूरा दिन वो जो लकड़ा था, सूखा लकड़ा, वो जमा करने के लिए पूरा दिन इधर उधर भटकती थी, क्योंकि उसके घर का चूल्हा उसी से जलता था. उसकी जो डॉटर थी वो भी उसको हेल्प करती थी, पर तीन महीने पहले से उसे बहुत सारा कफ हो गया. और क्यों हो गया, क्योंकि जो ड्राई सूखा कचरा था, सूखा कूड़ा था, उसके जो उससे जो धुआं निकलता था इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा कफ हो गया था. बट दुर्गा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था. अगर उसके पास पैसा होता तो वो सूखा कचरा भी खरीद लेती. ओके, नाउ देयर इज सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक. हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड एंड मेड काउडंग्स केक्स, हाउ आर दे मेड. ओके, आपने कभी सूखा कचरा कलेक्ट किया है या काउडंग्स केक्स बनाए हैं, यानी गोबर का वो केक रहता है, अगर बनाए हैं तो किस तरह से बनाए हैं. तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, येस आई हैड कलेक्टेड ड्राई वुड ड्यूरिंग विंटर टू मेक अ फायर, बट आई हैव नॉट मेड काउडंग्स केक. अगर किसी बच्चे ने बनाए हैं तो वो आंसर इसका येस भी लिख सकते हैं. और टू मेक काउडंग्स केक, सॉ डस्ट इज मिक्सड विद काउडंग एंड देन इट इज स्टक टू वॉल और ऑन द ग्राउंड इन द राउंड और ओवल शेप फ्लैट केक्स एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन एंड फॉर अ फ्यू डेज. ओके, उस जो गोबर रहता है उसमें क्या मिलाया जाता है, सॉ डस्ट मिलाया जाता है, और उसके ओवल शेप या सर्कल शेप में वो वॉल पे चिपकाया जाता है, या जो ग्राउंड सरफेस रहता है उस पर वो सूखने के लिए डाल दिया जाता है. वंस दिस केक्स ड्राई अप दे आर यूज टू एज अ फ्यूल टू कुक फूड. जब ये ड्राई हो जाते, सूख जाते हैं, तो इसका यूज फूड कुक करने के लिए किया जाता है. डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटनिंग अ चूल्हा. आपने कभी किसी को देखा है ये ड्राई वुड और लीव्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए इसका यूज़ होता है, तो आपने किसी को देखा है. सो आप अगर आपने देखा है तो यू हैव टू राइट येस, अदरवाइज यू हैव टू राइट नो. येस आई हैव सीन चिल्ड्रन हु लाइव इन हर्ट्स नियर द वेल ऑन आउटसाइड ऑफ माई विलेज कलेक्टिंग ड्राई वुड एंड लीव्स फ्रॉम द सराउंडिंग फॉर लाइटनिंग अ चूल्हा. ओके, ऑन नेक्स्ट पेज, हाउ कुकिंग इज डन इन योर हाउस, हाउ कुकिंग इज डन अदर फैमिलीज इन योर एरिया. आपके घर में खाना किस तरह से बनाया जाता है, और आपके एरिया में जो अदर फैमिलीज हैं उनके घर में खाना किस तरह से बनाया जाता है. तो मोस्टली LPG ही यूज़ करते हैं हर एक घर में. तो आप लिख सकते हैं फूड इज कुक्ड विद द हेल्प ऑफ LPG एज वेल इन माई हाउस एंड अदर फैमिली ऑल्सो. ओके, इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और काउडंग केक, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक. अगर वो खाना पकाते हैं तो वो उसके लिए अगर वो सूखा कचरा, काउडंग मतलब गोबर का वो केक यूज करते हैं, तो उनको कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. तो उससे क्या होता है, बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है. अ लॉट ऑफ स्मोक इज इमिटेड व्हेन फूड इज कुक व्हाइल यूजिंग फूड वुड और काउडंग केक्स. द स्मोक दिस स्मोक इज इनहेल्ड एंड ऑल्सो एंटर्स द आइज. ओके, वो जो धुआं है वो आँख में भी जाता है, और उससे हेडेक भी होता है, कफ होता है, आई रिलेटेड डिसीजेज भी होते हैं, और लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है. कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड. दुर्गा वुड के ये जो सूखा कूड़ा है उसके अलावा और कुछ यूज़ कर सकती है. नो, क्यों, क्योंकि सिंस दुर्गा इज पुअर शी कैन नॉट यूज़ एनी अदर फ्यूल लाइक केरोसिन LPG. शी कैन ओनली यूज फ्रीली अवेलेबल ड्राई वुड और काउडंग केक्स टू कुक हर फूड. ओके,
Earlier, about 2/3 of people in our country use cow dung cakes, wood and dry twigs. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water or lighting. Many other things are used for domestic activities at home such as kerosene, LPG, coal, electricity. Okay. अभी भी 2/3 people ऐसे है कि जो cow dung cakes, wood और dry twigs use करते हैं, but वो खाना पकाने के लिए नहीं, तो वो ठंडी से बचने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और लाइटिंग के लिए ये यूज़ करता है. और बहुत सारे लोग क्या भी यूज़ करते हैं, घर में केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी से भी खाना पकाया जाता है. मैत्री हैड शोन अ बार ग्राफ इन अ बुक. द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल. इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. ओके, उसने एक बार ग्राफ देखा था जो आपको दिख रहा है. ओके, चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स, मतलब 1976 का था और ये 1996 से, मतलब 20 ईयर्स का डिफरेंस है. तो cow dung cakes और wood, LPG and kerosene, coal, electricity, ओके, तो वो इतना परसेंटेज दिया है कि कितने हाउसेस यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 84, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 75, 18, 2 और 5. ओके, तो आपको इसमें चेंजेस दिख रहे होंगे. और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. इन ईयर 1996 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड cow dung cakes एंड वुड. ओके, 1996 में cow dung cakes एंड वुड कितने हाउसेस यूज करते हैं, तो टोटल 75. विच वॉज द फ्यूल यूज्ड इन लिस्ट इन 1976 में सबसे कम फ्यूल कौन सा यूज होता था, तो था इलेक्ट्रिसिटी. सिर्फ वन हाउसेस में था, तो इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें लिख सकते हैं. इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वेयर यूज्ड इन 10 हाउसेस एंड इन 1996 दिस इंक्रीज टू 18. पहले 10 थे और 20 साल के बाद वो 18 हो गए. दिस मीन्स दैट 20 ईयर्स देयर इज इंक्रीज बाय 80% से इंक्रीज हुआ. ओके, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वेयर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996 में इलेक्ट्रिसिटी कितने यूज करते थे, तो वो है 5 हाउसेस. विच फ्यूल वॉज यूज द लिस्ट इन 1996, कौन सा फ्यूल कम यूज होता था 1996 में, तो दैट इज कोल. ओके, सो यू हैव टू राइट कोल. वॉट परसेंट ऑफ हाउसेस यूज इन द ईयर 1996, दैट इज 2%. ओके, सो यू हैव टू राइट 2%. नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स. अभी हमें हमारे एल्डर्स को पूछना है कि क्या होता है. व्हेन देयर वेयर यंग व्हाट वाज यूज्ड टू कुक फूड एट होम. जब वो यंग थे तो अपने घर में खाना किस तरह पकाते थे. व्हेन माई एल्डर्स वेयर यंग वुड cow dung cakes, coal एंड केरोसिन वेयर यूज टू कुक फूड एट होम. अगर इसका कोई अलग होगा तो और भी आंसर लिख सकते हो. इन द पास्ट 10 ईयर्स यूज ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज इंक्रीज इन योर एरिया. यूज ऑफ विच फ्यूल हैज डिक्रीज. ओके, 10 साल से आपके यहाँ आपके एरिया में कौन सा फ्यूल फ्यूल की मात्रा सबसे बड़ी है और किस फ्यूल की मात्रा कम हुई है. तो इन द पास्ट 10 ईयर्स यूज ऑफ एलपीजी, मतलब एलपीजी गैस का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और द यूज ऑफ वुड cow dung cakes, coal एंड केरोसिन एज फ्यूल हैज डिक्रीज. मोस्टली अभी सब लोग एलपीजी ही यूज करते हैं. डिस्कस द यूज ऑफ विच फ्यूल यूज वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. अभी आगे 10 साल में कौन सा फ्यूल ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिस फ्यूल का यूज़ ज़्यादा होगा और किस फ्यूल की यूज़ कम होगी, तो आप लिख सकते हो कि द यूज़ ऑफ एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी एज फ्यूल विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड द यूज़ ऑफ वुड cow dung cakes, coal, केरोसिन एज फ्यूल विल डिक्रीज. ओके, नाउ वॉट वी हैव लर्न. इस चैप्टर में आपने क्या सीखा. इमेजिन दैट अ कंपनी हैज गिवन अ चांस टू डिजाइन अ न्यू व्हीकल लाइक मिनी बस. वॉट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिजाइन. राइट अबाउट इट एंड ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर इट. ओके, कोई कंपनी है, उन्होंने आपको न्यू व्हीकल डिजाइन करने के लिए बोला है और आपने एक मिनी बस डिजाइन की, तो आप किस तरह से वो डिजाइन करोगे उसके बारे में आपको लिखना है और पिक्चर निकालनी है. तो आपको इस
इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, मिनी बस का डिज़ाइन निकालना है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, आई विल डिज़ाइन अ बस दैट विल रन ऑन सोलर एनर्जी। बस हमेशा किस पे चलती है, डीजल पे, पर अगर मैं डिज़ाइन करूँगा तो वो सोलर एनर्जी पे चलेगी एंड विल बी हार्मलेस टू द एनवायरमेंट, और इसकी वजह से एनवायरमेंट में भी नुकसान नहीं होगा। देयर विल बी अ स्पेशल फैसिलिटीज फॉर द वी एंड एल्डरली एंड चिल्ड्रन, और उस बस में एक स्पेशल फैसिलिटी रहेगी जो बुजुर्ग लोग रहेंगे, ओके, जो वीक लोग रहेंगे, ओके, छोटे बच्चों के लिए उसमें फैसिलिटीज़ रहेगी। और आपको यहाँ पे एक बस की पिक्चर ड्रॉ करनी है। व्हाइल मेकिंग द डिज़ाइन Whom do you plan to take care of? Okay? अगर जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड दोज हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए आप कैसी फैसिलिटी रखोगे? तो आई विल डिज़ाइन द स्टेप्स इन सच अ वे दैट दे रीच द ग्राउंड सो दैट ओल्ड पीपल कैन क्लाइम देम इजिली टू बोर्ड द बस, क्योंकि जो बस की स्टेप्स रहती है ना तो बड़ी बड़ी रहती है, तो बुजुर्ग लोगों को चढ़ने के लिए प्रॉब्लम आती है, तो वो एक इजी तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। चिल्ड्रन के लिए आई विल हैव अ ग्रिल पुट द विंडोज ऑफ द बस, आई विल हैव ग्लास डोर्स इन द बस एंड हैव सीट बेल्ट सो दैट देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन फॉलिंग डाउन। ओके, बच्चे गिर जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम रहेगी। और जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आई विल डिज़ाइन अ बस सच दैट सीट्स फॉर सच पीपल आर राइट नेक्स्ट टू द डोर। ओके, मतलब जैसे ही हम चढ़ेंगे उसके नेक्स्ट राइट साइड में उनके लिए कुछ सीट्स अरेंजमेंट होगी। आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर ईच स्टॉप टू बी अनाउंस लाउडली एंड क्लियरली सो दैट पीपल हु कैनॉट सी विल गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्टॉप। ओके, जो लोगों को देखने नहीं मिलता तो उनके लिए प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाएगी जब उनका स्टॉप आएगा, कि इस स्टॉप पे उनको अनाउंसमेंट मिलेगी, ओके, कि कौन सा स्टॉप आया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लुक आउट फॉर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑन फेल, कट दिस एंड मेक अ कोलाज, पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम। ओके, आपको एक कोलाज बनाना है कि फ्यूल से रिलेटेड कोई न्यूज़ रिपोर्ट है क्या, और आपके क्लासरूम में आपको वो स्टिक करना है। एंड द लास्ट इज मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, लाइट अ स्लोगन टू वेयर वुड यू लाइक पुट अप दिस पोस्टर। ओके, आपको फ्यूल सेव करने के लिए एक पोस्टर बनाना है, उसमें स्लोगन लिखनी है, तो आप लिख सकते हो सेव फ्यूल सेव लाइफ। ओके, ओके, और क्या स्लोगन लिख सकते हो आप इसमें, आफ्टर दैट ये लिख सकते हो फ्यूचर इंडिया प्रॉस्परस ईच ड्रॉप सेव। ओके, सेव विल मेक इट हैबिचुअल। ओके, व्हेन यू स्टॉप एट क्रॉस रोड शट ऑफ द इंजिन, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स आप इसमें लिख सकते हो। आपको पेट्रोल से रिलेटेड एक उसमें पिक्चर निकालनी है और पोस्टर बनाना है। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू।